आपका स्वागत है। आज दोपहर से मैं ब्लॉग्स स्टार्ट कर रही हूँ और आज तानिया गई है स्कूल और तानिया का आज फेवरेट बना रही हूँ साग, जो कि तानिया को बहुत पसंद है। और मेरे घर में है लड्डू गोपाल, उनको भी भोग लगाएंगे साग रोटी और चावल। बहुत दिनों से मन था कि लड्डू गोपाल को भी साग की भोग लगाऊं, जो कि पालक सरसों और भथुआ इन सारे चीजों को मिला के मैं बनाऊंगी साग। सुबह पराठे और सब्जी आलू गोभी की बनाई थी तो तानिया ले गई हैं। अब लंच में बना रही हूँ साग चावल रोटी, जो हमारे बिहार में बहुत पसंद करते हैं। और मैं आज लड्डू गोपाल की यही भोग लगाऊंगी और तानिया भी आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी आज कि मम्मी आज फेवरेट चीज बनाई है, उसका भी साग बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं यहाँ खाली कुकर रख दी हूँ और साग उबालूंगी और उबाल के फिर फ्राई करूंगी, क्योंकि उबाल देते हैं तो गल जाता है। गलने के बाद फिर इसको मिर्चा लहसुन तो डालूंगी नहीं, क्योंकि भगवान के लिए बनाना है, लड्डू गोपाल के लिए भी। तो बस इसमें घी में और मिर्चा में तड़का लगाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है इसे भी खाने में। तो कोई लहसुन डालता है ना तो उसे अच्छा लगता है। यहाँ मैं चढ़ा दी साग और 4-5 सीटी में बन जाएगा। तब तक तैयारी करती हूँ मैं चावल की। आटा सुबह की लगाई थी वो तो है ही, बस हमारी साग चावल और लंच हो जाएगा तैयार। अब साग का दिन आ गया है ना तो साग खाने में अच्छा लगता है। सर्दियों में साग अच्छी लगती है ना खाने में। आप सबको किसको किसको पसंद है आप भी बताइएगा। हम लोगों को तो साग बहुत अच्छा लगता है, गांव में हमारे खेत में बहुत होते थे तो मैं तो नहीं जाती थी, लेकिन पापा तोड़ के लाते थे तो हम लोग बनाते थे। साग रख दिया है, अब इसकी सीटी भी आने लगी है, बस 4-5 सीटी में बन जाएंगे ये। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। आज तो व्लॉग मेरी मम्मा बना रही हैं। आज मैं स्कूल गई हुई थी सैटरडे वाले दिन तो मम्मा घर पे अकेली थी, उन्होंने सोचा इसका व्लॉग बना देती हूँ। तो आज जो साग है मम्मा उसका रेसिपी शेयर कर रही हैं और इस वाले में ना आप देख रहे होंगे कि मम्मी गार्लिक का इस्तेमाल कर रही हैं। तो मुझे ना गार्लिक से ही पसंद है साग, मुझे और उसका इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन भगवान के लिए मम्मा ने अलग से निकाल कर घी में छौंक दिया था, तड़का लगा दिया था, लेकिन और वो भगवान को अलग चढ़ाने के बाद मम्मी यहाँ पर गार्लिक का इस्तेमाल कर रही हैं मेरे लिए। उसमें बेसन वेसन भी मम्मी ने डाला है, मुझे ये है मेरे लड्डू गोपाल की थाली।